विदेशों में भी भारत के तिरंगे का किस तरह सम्मान किया जाता है वो बता रही है यूक्रेन से लौटी झज्जर की बेटी रितिका। रितिका भी पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई हुई थी, लेकिन वहां छिड़े युद्ध के दौरान रितिका भी वहां के भयानक हालातों में फंस गई, जिन्हें वो वतन पहुंचकर बयां कर रही है। रितिका बता रही है कि किस तरह तिरंगे ने उसकी जान बचाई और वो सकुशल अपने वतन लौटाई। रितिका ने बताया कि तिरंगे को हाथों में लिया तो चाहे यूक्रेन के लोग हों या रशिया के, सभी बड़े सम्मान के साथ उन लोगों को आगे ले जा रहे थे। रितिका ने बताया कि मुझे गर्व हुआ कि मैं भारत की बेटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो अन्य लोग वहां पर फंसे हैं वो भी जल्द भारत लौटे। लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक है, लेकिन आपको अपने रिस्क पर निकलना पड़ेगा। आप एम्बेसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एम्बेसी क्लियरली बोला एम्बेसी ने कि आप अपने रिस्क पर निकलिए। और जो बच्चे एम्बेसी के अकोमोडेशन में थे वहां सबसे ज्यादा परेशानियां हुई हैं बच्चों को, चिप्स बिस्किट पर रहे हैं बच्चे जी। यूक्रेन की जो कीव की एम्बेसी है वहां पर यही सिनेरियो है और बच्चों को नो डाउट अब खुद का रिस्क लेकर निकलना पड़ रहा है जी। अगर टिकटों की बात करें तो लगातार ये बताया जा रहा है कि जो पहले टिकटें थी अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी, इस तरह का फेस करना पड़ा आपको? एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो 16 से 20 हजार में वन साइडेड फ्लाइट हो जाती है इंडियन रुपीज में, लेकिन पर्सनली मैंने देखा है कि मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स या मेरे और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो 60+ में टिकट्स करवा कर गए इंडिया जी। आपको कितने का मिला? मैंने बोला जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज फ्लाइट में आई हूँ तो उसमें मुझे अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेके। हाँ जी, वो नॉन कमर्शियल फ्लाइट थी। रितिका भारत सरकार के मिशन की तारीफ कर रही हैं, लेकिन वहां मौजूद भारतीय एम्बेसी से नाराज दिख रही हैं। रितिका का कहना है कि जब उनके पास पानी खत्म हो गया था तब इंडियन एम्बेसी के लोग हमें बता रहे थे कि हम लोगों को भी 3 दिन हो चुके हैं, हम क्या करें। उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक लगातार हम लोग उनसे संपर्क करते रहे लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा अब भी हम कुछ नहीं बता सकते, हम अपने रिस्क पर ही वहां से निकले। बहादुरगढ़ से युगेंद्र सैनी, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।